भाई लड़की वही है क्या? हाँ, अबे गधे सामने दिख रही है ना, देख कितनी अच्छी है। लगता 8-9 साल की होगी। हमें तो बस अपना काम करना है। ठीक है भाई। देख 10 बजे के बाद सारे नौकर इस घर से बाहर चले जाते हैं। हाँ। उसके बाद ये लड़की अकेली रहती है, उसी वक्त हमें अपना काम कर लेना है। उनको आने में कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे। बच्ची चिल्लाएगी? अबे गधे, बच्ची का मुंह खुला रहेगा तो चिल्लाएगी ना। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, इसीलिए तो तुझे हिस्सा दे रहा हूँ मैं। फूल वाला सुंदर है ना, मैं उसे अपने साथ लेकर इस घर में घुसूंगा। लड़की को जैसे ही बाहर लेकर आऊंगा, वो उस लड़की को लेकर घर से बाहर चला जाएगा। फिर घर की चाबी ढूंढकर सारा माल साफ कर देंगे। तो भाई मेरा क्या काम है? बताता हूँ, मैं और सुंदर लड़की को जैसे ही लेकर निकलेंगे, वैसे तू इस घर के दरवाजे और गेट को लॉक करके चुपके से निकल जाना। फिर वो लेटर काहे का? काहे का लेटर? पैसे वसूलने का लेटर। 5 लाख रुपए लेकर मेरे बताए जगह पर आओ तो तुम्हारी बेटी जिंदा मिलेगी, नहीं तो डेड बॉडी मिलेगी, तभी तो पैसे मिलेंगे ना। पुलिस तक पहुंच गई तो जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे भाई। क्या कहा? हमारे फिंगरप्रिंट सारे पुलिस थाने में है भाई। ये बात भी सही है। आजा। दो कटिंग देना भाई। छोटे क्या है भाई, नाश्ता कर रहे हो क्या? हाँ, मेरे भैया ने 7 रुपए कमाए हैं। आज अच्छी कमाई हुई। स्कूल जाने वाले बच्चों का काम किया तो उन्होंने बहुत अच्छे पैसे दिए। अच्छा इधर आ। मुझे एक चिट्ठी लिखकर देगा, पैसे दूंगा। क्यों, आपको लिखना नहीं आता? हमें लिखना पढ़ना नहीं आता है बे। 5 रुपए दूंगा, जैसा कहूंगा वैसा लिखेगा। 5 रुपए है यार, हम लोग कुछ खरीद कर खाएंगे। जी हाँ। तुम्हारी लड़की, अगर तुम्हें जिंदा वापस चाहिए तो 5 लाख रुपए लेकर, ए चुप रहना यार, जहां मैं कहूंगा वहां तुम्हें अकेले ही आना होगा। अगर नहीं आई तो तुम्हारी लड़की की लाश तुम्हें तोहफे में मिलेगी। लिख दिया ना? हाँ। इससे हम कुछ मीठा लेकर खाएंगे। अरे ये देख टोपी, ये भूल कर चला गया। चल। मैडम कुछ पीने के लिए लाऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नीला कहाँ है? वो ऊपर सो रही है मैडम। कॉटन देना। ये लीजिए मैडम। उसने कुछ खाया पिया? हाँ, सब्जी रोटी खाई थी, खिला दिया था मैडम। हाथ दुख रहा है क्या? हाथ दुख रहा है। काटा लग गया होगा, मैं निकाल देती हूँ। सुबह जब मेरे साथ आई थी तुमने पापा को फोन किया था क्या? किसने कहा? मैं सब जानती हूँ, तुम उल्टे जवाब क्यों देती हो? बोर हो रही थी इसलिए मैंने पापा से कहा कि मुझे ले जाओ। तेरा बाप एक नंबर का धोखेबाज है, तुम उसके पास नहीं जाओगी। नहीं, मुझे हमेशा वो स्वीट ही लगते हैं। हाँ हाँ, बहुत स्वीट बातें करते हैं। मुझे दुख रहा है मम्मी। तू हाथ को ढीला छोड़ देना, सब एक जैसे ही हैं। मेरे जज्बात को कोई नहीं समझता। तू छोटी है, तेरे समझ में नहीं आएगा।
फिर भी तुझे बताती हूँ, तेरे बाप ने दूसरी औरत को रखा है, ये बात तुझे पता है क्या? नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। ये भी बता दिया, कायर कहीं का? क्यों, तुम भी तो अशोक अंकल से शादी करने वाली हो। नॉनसेंस, तुझे किसने कहा? मैंने मैगजीन में पढ़ा है, फोटो भी छपी थी। मम्मी, तुम भी शादी करके चली जाओगी तो मैं किसके साथ रहूंगी? मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। एक मिनट, हेलो, कौन बोल रहे? इट्स मी। कौन? ए, मैं हूँ यार। हाय अशोक, व्हाट अ सरप्राइज, तुम कब आए? कल शाम को ही आया। नेक्स्ट शेड्यूल स्टार्ट होने से पहले कहीं मिले क्या? मैं भी वही चाहता था, लेकिन कल सुबह ही जा रहा हूँ। हाँ, छूटे? हरी कसम, वहाँ से लौटने के बाद शादी कर लेंगे, तुम्हारा क्या इरादा है? छी। शादी के बाद हम बच्ची को किसी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे। विनय? हाँ, क्या है? Try to understand, आज रात को मिले क्या? आज की शूटिंग कैंसिल कर दो ना प्लीज। हाँ सर, धीरे बोलो। किसी तरह मिलो। छी, तुम्हें हमेशा बस वही सूझता है क्या? छी। तुम चीज़ी वैसे, मैं क्या करूं? शूटिंग से पहले मिलूंगी बाबा, डोंट वरी। हाँ हाँ, दिन में चैन मिलेगा। कहाँ? रात को आउट हाउस में ही जाएंगे। हाँ, वहीं पे आ जाओ। ओके। शेर, तू एकदम झक्कास दिख रहा है यार। ए बहादुर, खाना तैयार है, अंदर आके खा ले। अरे, तूने इसे छिपा के रखा था, चल आ जा, जल्दी चल। लड़की को उठा लिया है भाई ने, ये तो भाई है। अब मेरा काम है घर के अंदर लेटर डालना। यही घर है, ठीक से देख लो भाई। ये काम हमें रात में करना चाहिए, दिन में करते हुए किसी ने देख लिया तो हमारी लग जाएगी। बोलो ना, किसी को शक हो जाएगा। जब हम पंचमढ़ी में ऐसा गेम बजाने गए थे तभी तुमने ऐसा ही कहा था। वो देखो, वो खाकी वाला नकचपटा इधर ही घूम रहा है, इसलिए कह रहा हूँ प्लान बदल देते हैं। मुंह बंद रखो ना,
यही रुकने को कहा था, कहाँ चला गया? भाई वो एक नंबर का डरपोक और कमीना है, कहीं इधर उधर झाड़ी में छुपा होगा, कहीं उसके भरोसे रहे तो हमें हथकड़ी ना लग जाए। सोच लो, कुछ देर इंतजार करके देखते हैं, नहीं तो नाइट ड्यूटी है ही। लगता है उसने हम दोनों को ठेंगा दिखा दिया, लड़की भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अगर तुम कहो तो मैं अंदर जाके खबर लेके आऊँ। पहले हमें सिग्नल तो मिले, तो उसका हुलिया बिगाड़ दूंगा, क्या समझे? टेंशन मत ले, देख कोई आया है, तेरा छुपा ले, नजर हटा रहे उसके ऊपर से। सुना, कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ खड़े मत रहो, जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, लगता है ये भी यहाँ का कुत्ता ही है, बहुत भौंक रहा है। मुझे भी चलाना सिखाओगे क्या? हाँ। क्यों, तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती? नहीं। अबे हमें जाना कहाँ है, तुझे पता है ना? नहीं पता यार, बस गाड़ी चलने दो, चलाते रहो, मेरी पहचान की जगह आएगी तो मैं बता दूंगा। ठीक चल, है चल चल चलने दो। क्लच में कोई कचरा आया क्या? अरे कचरा नहीं। अरे गाड़ी ने जवाब दे दिया, मैं चलाओ। हे, लगता है मुझे ही देखना पड़ेगा। क्या हो गया गाड़ी को? या बॉनेट ओपन करना भाई, मैं देखता हूँ क्या हुआ। समझ गया, पेट्रोल खत्म हुआ है। ये शेर पीछे कहने क्या देखना। ठीक है भाई। मिला क्या? मिला। सुन, हाँ? किसी से मदद मांगकर पेट्रोल पंप से पेट्रोल लाएगा क्या? हाँ? नीला पैसे दे दे। पैसे? हाँ बहना, रोकड़ा मनी मनी, पेट्रोल के बगैर गाड़ी नहीं चलेगी। मेरे पास पैसे नहीं है। पैसा नहीं है? अरे बाप रे नीला, हम फिर लोग कहाँ कहाँ भटकेंगे पैदल। सच में तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तू पैसे क्यों नहीं लाई? इसमें पैसा लगता है तुझे पता नहीं है? अब क्या करे, आकर फंस गए हम लोग, इसलिए मैंने पहले ही ना कहा था, तेरी वजह से हुआ। ये मारता क्यों है? पागल। छोड़ ना यार, हम लोग यहाँ से पैदल चले जाएंगे। ए बहना, अब तुझे भगाने का इल्जाम मुझ पर लग जाएगा। पागल लड़की, कॉन्वेंट में पढ़ती है, अकल जरा भी नहीं है। अकल आएगी कहाँ से, बेवकूफ जो ठहरी, बिना सोचे समझे निकली है, अब यहाँ हम लोग फंसे, अब क्या करे? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि पैसा चाहिए, तो मैं जरूर लेके आती। नीला तो हिम्मत मत हारना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो रो मत, मैं संभाल लूंगा। अबे गधे, क्या संभाल लेगा, बात करता है, माँ बाप ढूंढने निकला है। भैया जो मैंने कहा वो मैं करके दिखा सकता हूँ। पहले गाड़ी कैसे चलेगी ये सोच। कौन सी बड़ी बात है, चल आ जा। चल हट। अमर तुम फिक्र मत करो, मैं पापा को फोन करके यहाँ बुला लूंगी। चलो तब तक हम लोग यहाँ आराम से। चलो भाई, चलो ना। चलो यार, वैसे ही सही। चल भैया चल, ये भागो मत। वो कमल कितना खूबसूरत है ना भैया। चल हम लोग पानी में उतर कर देखते हैं। चलो सब मिलकर नहाते हैं। ए मैं भी नहाऊंगा, चल ना चल ना। हाँ चलो चलो नहाते हैं। चल ना। ये आजा आजा। हे Ha 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 ha!
अरे आ जाना आ जाना। अरे छोटे अरे गिर गया। अरे अरे।